सो गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग फ्रॉम डल लेक हाउस बोट, और यहाँ के नजारे लगे हुए हैं सुबह सुबह के। लेट्स गो, हम जा रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट करने। अंकल आए थे हमें बुलाने के लिए रूम तक कि भाई ब्रेकफास्ट कर लो। चलो हम जा रहे हैं। ऑल्दो 9:15 हो चुके हैं इधर, और थोड़ा सा लेट हो गया उठने में, थके हुए थे कल बहुत सारा। भाई वॉकिंग शॉकिंग कर लिया हमने। मैं आपको पीछे की तरफ जो डल लेक जहाँ से एंट्री है हमारे हाउस बोट की, वहाँ पे लेके चलता हूँ, वहाँ के नजारे दिखाता हूँ आपको हाउस बोट के। बट पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये देसी अंगीठी है, कोयला डालता है इसमें और ये गर्म होती है, पूरा कमरा आपको गर्म करके देगी। व्हाट डू वी कॉल इट सर? विंटर वाइफ बुखारी बोलते हैं। बुखारी। अच्छा बुखारी। अंकल ने भाई इसका एक्चुअल नाम है बुखारी, अंकल ने इसका नाम दिया है विंटर वाइफ। चलो यार अपना ब्रेकफास्ट करते हैं आराम से। स्वीट अंकल बहुत, और वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में ही रहते थे 20 साल से। ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, और जो आप ये देख रहे हैं छोटी, ये छोटी सी है, ये भी छोटी बुखारी बोलते हैं। चलो यार हम जाते हैं बाहर। ये देखो भाई पूरा एरिया यहाँ का, ये पूरी लॉबी है, ये थ्रू जाती है सीधा डल लेक की तरफ। तो मैं आपको डल लेक का नजारा दिखाता हूँ सुबह का। लेट्स गो भाई। ये है हमारे हाउस बोट का फ्रंट व्यू, देखा आप ये देख लो, और पीछे का नजारा मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल द वे टू राइट, ये है गाइस नजारा। वो देखो यार स्नो कैप माउंटेन्स, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। क्या सुंदर लग रहा है नजारा यार, है ना। सामने पक्षी भी छोटे छोटे जो तैर रहे हैं वहां पे, और ये हमारे जा रहे हैं फोटो साहब, देखो पिछवाड़ा दिखाते हुए। कहाँ जा रहे हो? कम। अगर आपको गाइस ये व्यू अच्छे लग रहे हो तो डू सब्सक्राइब ऑन द वे, शेयर कर देना गाइस फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में, कमेंट जरूर करना कि आपको कैसी लग रही वीडियोस। नजारा देखो अब तक। जस्ट अभी उनसे ना हमने कुछ परचेज किया है भाई, दिखाइए क्या परचेज किया हमने। ये है भाई, ये वो फ्रिज मैग्नेट परचेज किया हमने। गुड, चलो भाई हमने एग्जिट ले लिया और रूम भी हमने खाली कर दिया वहाँ से, सामने से एग्जिट कर दिया। वापस जा रहे हैं शिकारा की तरफ, हमने भैया से बोल दिया शिकारा आएगी थोड़ी देर में, हमें पिक करके हम वापस जाएंगे घाट की तरफ, घाट नंबर 17। चलो भाई फाइनली हमने चेकआउट कर दिया है और शिकारा में बैठेंगे, घाट नंबर 17 वापस जाना है, वहाँ पे हमारी गाड़ी वेट कर रही है। दूसरे होटल में चेक इन करना है, वहाँ पे जाके फ्रेश अप वगैरह होंगे, फिर अपन जो भी लोकल साइट सींग है श्रीनगर की वो देखेंगे। चलो यार लेट्स गो, इट वॉज नाइस, और व्यू तो आपने देख ही लिया पीछे की वीडियोज में, फिर लोकल साइट सींग जहाँ भी हम जाएंगे वो दिखाते हैं, ठीक है। Cheers. भाई हम अपने हाउस बोट से निकल चुके हैं, जा रहे हैं घाट नंबर 17 की तरफ। अब देखो नजारे आ गए, अमेजिंग। और मैं बैठा हूँ सबसे आगे, लोकेशन दिखा दो अपनी। रेजिडेंसी में जा रहे हैं भाई, गाड़ी में बैठ चुके हैं, अभी टाइम हो गया 10-15 मिनट हो गए, बीच में कुछ काम के रुके थे, वो काम करके होटल तो जा रहे हैं, फ्रेश होंगे फिर वहाँ से निकलेंगे घूमने के लिए, साइट सीइंग के लिए। कश्मीर के भाई लोकल गलियों के नज़ारे ले लो भाई, यहाँ पे राइट, हाँ यहाँ से राइट तो ब्रेक पर डाल ले यार, यहाँ पे बोर्ड भी नहीं है। भाई हम आ गए हैं होटल में, ये है पूरा होटल देख लो, ये पूरी पार्किंग एरिया है, सामने होटल है ताज रेजिडेंसी, सामान उतर रहा है तो रूम देखते हैं, चेक इन करते हैं, सामान रखते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। ओके गाइस रेडी हो चुके हैं भाई, चेकआउट वहाँ पे इसलिए कर दिया था शिकार हाउस बोट से, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे ना थोड़ी नहाने वगैरह का मतलब वॉशरूम का थोड़ा इशू था, और सेकेंडली भाई ठंड भी लग रही थी लोगों को, तो यहाँ पे आ गए अच्छे से फ्रेश हो गए। हम जाएंगे लोकल साइट सीइंग करने, पहले जाएंगे शिकारा राइड के लिए और उसके बाद हम लोकल साइट सीइंग करेंगे जो भी श्रीनगर में है घूमने लायक, हमारे ड्राइवर भैया हैं वो बता देंगे सारा कुछ। कल वाली जैकेट पहन ली मैंने, थोड़ी वाइब्रेटिंग जैकेट है भाई, कलर वाला अच्छा है, फोटोज अच्छी आएंगी, रास्ते के नज़ारे और डल लेक के नज़ारे और सबसे सबसे ज़रूरी शिकारा के नज़ारे वो दिखाने वाला हूँ, मज़ा आएगा।
शिकारा में आ गए, थोड़ा नेगोशिएशन में टाइम लग गया। यहाँ से थोड़ा फ्री होते हैं, ये ईशान लगवा रहा है हुक्का, यहाँ से फ्री होते हैं, उसके बाद फिर जब थोड़ा खुल जाते हैं ना मामला, यहाँ से आगे थोड़ा निकल जाते हैं, तब कर लेंगे बातचीत। बढ़िया तरीके से व्यू दिखाएंगे, सिनेमैटिक वीडियो डाल देंगे इसमें, बहुत बढ़िया। पीछे का व्यू इज ये देखो कैसे खा रहे हैं शिकारा में बैठे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इनका देखो ये चल रहा है हुक्का, गाइस बाय द वे नॉन अल्कोहलिक है। भाई हम खा रहे हैं मैगी और वहाँ पे हमारे पकोड़े और यहाँ पे भाई खा रहे हैं हमारे सैंडविच और यहाँ का नजारा देख लो भाई। सामने आ गई है यहाँ की मार्केट, मीना बाजार बोलते हैं इसको, जाते हैं एंटर करते हैं मार्केट का व्यू लेते हैं क्या सीन रहता है वहाँ पे। भाई ये पूरा मार्केट है, फ्लोटिंग मार्केट बोलते हैं इसको, मीना बाजार भी बोल सकते हैं, मीना बाजार आगे है वैसे तो मेन, पर ये पूरा है फ्लोटिंग मार्केट। आपको दिख रहा है वो जो छोटे छोटे खंभे हैं वहाँ पे टिका हुआ है, आप देख लो, और वहां तक जा रहा है बोला। यहाँ पे भी मार्केट है, हमारी मार्केट है, यहाँ पे भी मार्केट है, हर जगह मार्केट है, लेट्स गो। कुछ दुकानें बंद है वैसे तो, अभी शॉपिंग तो ऐसा कुछ करनी नहीं है, बट ठीक है, आगे बाजार भी देखना जरूरी है भाई। ऑडियंस को बताना पड़ता है भाई, सही बात है, ऑडियंस को बताना पड़ता है कि ये भी जगह है यहाँ पे, अगर आप शिकारा कर रहे हो या आए हो डल लेक पे तो आओ यहाँ पे भी, मीना बाजार आओ, मार्केट देखो पूरा बढ़िया। सूट्स वगैरह है, वही चीजें जो सर्दियों की चीजें होती है वो सारे हैं, सारा बुरन स्टफ है, सारा बुरन मार्केट है, बहुत बढ़िया है। फ्लोटिंग मार्केट छोड़ भाई, यहाँ पे हर चीज फ्लोटिंग मिलती है, देखो ये पॉपकॉर्न मिल रहे हैं फ्लोटिंग, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये फ्रूट चाट ली थी, सब फ्लोटिंग में। भाई हम आ गए हैं शिकारा के स्टार्टिंग पॉइंट पे और हमारी गाड़ी जा रही है इधर तरफ, व्यू देखो भाई सामने से। एक्सीडेंट हो गया, छेद हो गया नीचे, देख छेद हो गया तेरी बोट में, तेरी बोट में छेद हो गया नीचे, सही में। शिकार राइड थी वो पूरी हो चुकी है, ऑलमोस्ट होने वाली, मतलब मैक्स 10 से 15 मिनट में हम निकल जाएंगे। हम रेस्टोरेंट गए जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होते हैं वो गए, और मीना बाजार गए जो फ्लोटिंग मार्केट बोलते हैं जिसे, शिकारा घूम लिए, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स घाट जहाँ पे हमने ये स्टार्ट करी थी, घाट नंबर 21। अंकल जी बढ़िया चला रहे पतवार कैडी करके, इनका तो खैर रोज का है, अपना काम यहाँ पे खत्म होने वाला है। सामने है घाट गाइस, और अमेजिंग व्यू, शिकारा जब इस तरफ जाती है टूवर्ड्स वापस जाती है घाट की तरफ, तो ही नॉर्मली लोग वीडियो या रील्स वगैरह बनाते हैं, और भाई व्यू के क्या कहने हैं भाई। जस्ट अभी खत्म हुई हमारी शिकारा, ठीक है सब लोग उतर रहे हैं यहाँ से, जस्ट अभी खत्म हुई है, और भुट्टा खाने की वीडियो बना ली हमने, टेस्ट लगा भाई यहाँ की चीज़ होगा, चाहे एप्पल हो चाहे भुट्टा हो। शिकारा राइड वॉज गुड, काफी सारी रील्स काफी सारी वीडियोस ब्लॉग के लिए बना चुके हैं, यहाँ से निकलते हैं, जो नॉर्मल साइड सीन रहेगी अब वो करेंगे, बाकी जो जो होगा वो बताते जाएंगे। तब तक चीयर्स, देखते जाओ, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में। गाइस वो जो आप पहाड़ पे देख रहे हो ना प्रॉपर्टी, अगर दिख रही होगा आपको, छोटे छोटे घर बने हैं, वो पूरी ताज होटल की प्रॉपर्टी है भाई, इतनी बड़ी, पूरा पहाड़ समझ लो, पूरा पहाड़ एक फ्लैट पहाड़ है भाई, उसके ऊपर प्रॉपर्टी बना रखी है बड़ी बड़ी। ये आ गई न्यू बुलबुल और ये गई न्यू बुलबुल। इस व्यू के लिए गाइज एक लाइक और एक शेयर तो बनता है, एंड ऑल्सो रिमेम्बर वांडर विद सन। गाइज विंटर्स में आके अगर मुगल गार्डन से ये व्यू नहीं देखा ना तो कुछ नहीं देखा, ये देखो हमारे बाकी गाइस की चल रही है यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, ये देखो फ्री के फोटोग्राफर, फ्री के मॉडल, और हमारे एब्सोल्यूट ब्लॉगर्स, ब्लॉगर फ्रेंड्स। चलो यार यहाँ का हो गया, मतलब मुगल गार्डन है, हो सकता है यहाँ पे समर्स में काफी अच्छा रहता होगा माहौल, फ्लावर्स वगैरह काफी अच्छे होते होंगे, बट अभी का जो व्यू है विंटर्स का व्यू अमेजिंग है भाई, अमेजिंग। यहाँ से जो पूरा स्नोपिंग माउंटेन्स दिख रहे हैं, स्नो कवर्ड माउंटेन्स। गाइस देखो विंटर्स का जो है ना कश्मीर में अलग मजा है, और समर्स का जो मजा है वो अलग है। तो आपको ऐसा बोला जाता है कि कश्मीर आओ, कभी भी आओ तो दो बार आओ, एक विंटर्स में एक समर्स में, तो भाई दोनों बार ट्राई करेंगे, दोनों सम सीजन में ट्राई करेंगे।
गाइस अपना कार्यक्रम खत्म हो चुका है मुगल गार्डन का, फोटो वोटो अंधे ले लिए और यहाँ से फ्री होते हैं, मुगल गार्डन से बाहर निकलते हैं। देखते हैं आशिमा की एक फरमाइश, छोटी सी फरमाइश है ये, वही फरमाइश है कि वो जो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है ना यहाँ का, वो देखना है। अगर देख सके तो देख लेंगे, वरना फिर हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है हमारा होटल, वहाँ जाके रेस्ट करेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पियेंगे, मौज करेंगे। अरे हाँ, लंच हमारा मतलब ब्रंच टाइप रह गया है, वो ब्रंच भी नहीं बोल सकते उसे तो यार, लंच ही समझ लो, लंच कमिंग नियर टू वो डिनर, वो रह गया हमारा बस, लंच कम डिनर, लंच कम डिनर वो रह गया हमारा, वो भी करेंगे। अगर पोस्ट ऑफिस दिख गया तो वो ले लेंगे, फिर माशाल्लाह सो जाएंगे। लेट्स गो गाइस। ये है ब्रेड ब्लैकबेरीज, ये है रोजबेरीज, और ये है भाई असली केसर। ड्राई बेरीज, ब्लू बेरीज, कश्मीर की जो स्पेशलिटीज है ना वो सब पड़ी है, केसर, सारी बेरीज और एलमंड्स वगैरह सब है। सबके रेट ईच है 500 रुपए ईच, बट एक एक सिर्फ इसका ये क्या भैया, ये क्रैनबेरी है गाइस, और ये 600 रुपए आधा किलो है, 600 रुपए का आधा किलो। अगर इसे रेड कलर छोड़े ना या गायब हो गया पता है, जितना भी रख करोगे येलो कलर छोड़ेगा, पता है सही रहेगा। किलो हो गया ये 2.5 लाख रुपए किलो आता है। नंबर वन कश्मीर का जो हेड होता है सैफरन, उसे का कुछ चीज ही नहीं, ये 1 ग्राम, 1 ग्राम ये कितने का है, 250 रुपीज 1 ग्राम, ये 1 ग्राम है, 2 ग्राम का आता है, 5 ग्राम का जितना भी चाहिए आपको, हमारा लेबल लगता है सर, विदाउट केमिकल। भाई लोग, मुगल गार्डन के बाद हमने रास्ते में होटल में जा रहे थे तो हमने देखा ये है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। भाई यहाँ का ये भी एक थोड़ा सा मेजर अट्रैक्शन बोल लो तो ये भी एक अट्रैक्शन में आता है, ये पूरा फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। आप देख लो भाई, पूरा डल लेक पर ही सिचुएटेड है, देखो जो लट्ठे से लगे हैं ये उसी पे खड़ा हुआ है, बस बोलते हैं फ्लोटिंग ही है। अब आप देख लो ये पूरा पोस्ट ऑफिस बस वहां तक है और ये खत्म हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता है, फिलहाल बंद है, नहीं देखना था, चलो चलते हैं यहाँ से, है ना, लेट्स गो बाय, ऐसे निकलते हैं। व्यू देख लो रात का डल लेक का, यही है व्यू भाई। पोस्ट ऑफिस एक्सप्लोर करने के बाद आ गए हम नाथूस पे, यहाँ पे अपना डिनर, अब यहाँ पे अपना डिनर पैक करवाने के लिए आए हैं। डिनर पैक बोल दिया है हमने, बाकी 2 प्लेट पापा जी खाएंगे। ये खोल ना, ये खोल जो तुमने पैक करवाई ना मिठाई, अपना मिठास वो खोल, ये दिखाते हैं, ये देखो गोल्ड से पता नहीं क्या मसराटा कजाटा फसाटा क्या है पता नहीं, बेटा उधर क्या देख रही, इधर देख, ये भूखो ने ऐसी पापा जी उड़ाई है, ये देखो, ये शूट भी नहीं करने दी, ये देखो। ठीक है भैया, शुक्रिया, मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय। भाई यार होटल आ गए हम लोग वापस, डिनर हमारे हाथ में, हमारा रूम में चलते हैं फिर खाना वाना खाते हैं यार, बड़ी आराम से। श्रीनगर की सारी साइट सीन करके आ चुके हम, शिकारा गए थे, शिकारा के बाद हम गए मुगल गार्डन्स, मुगल गार्डन्स के बाद हमने फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। चलो अब सोते हैं, फिर मैं ब्लॉक की एंडिंग में सोच रहा हूँ, वो कल सुबह उठनी है, कल सुबह उठेंगे, हमारी 9 बजे की फ्लाइट है, वो 10:30-11 बजे जो भी हम जब भी हम उतरेंगे दिल्ली वापस उतरेंगे तो मैं तभी एंडिंग कर दूंगा ब्लॉक की। अभी चलो यार सोते हैं, वो थके हुए और डिनर करके सोएंगे आराम से, आप भी रेस्ट करो, हम भी रेस्ट करते हैं, टिल देन पीस, बाय बाय। सो गुड मॉर्निंग गाइस, उठ चुके हैं सब, तैयार भी हो चुके हैं यहाँ पे, मैं पहन के सोया था ना बस वही पहन के जा रहा हूँ भाई सीधा दिल्ली, 1 घंटे की फ्लाइट है, 1 घंटे में क्या पता लगेगा, छोड़ो यार अपने कोई टेंशन पालने का ही नहीं है, सीधी सी बात तो यही है। तो अपन सब रेडी है, बैग वैग सब टांग लिया, बैग सब नीचे पहुंचा दिया हमने, एवरीथिंग इज डन, ड्राइवर भी है जो है वो भी आ चुके हैं नीचे मैं एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। तो गाइस निकलते हैं यहाँ से, 9 बजे की फ्लाइट है, 10:30 मैक्स हम दिल्ली होंगे और दिल्ली जाके एंडिंग करेंगे यार ब्लॉग की, जो पूरा जो कल ब्लॉग बनाया ना वो आज ही एंडिंग करेंगे इसकी। तो चलते हैं गाइस, ठीक है, इट वॉज नाइस विजिटिंग कश्मीर, वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, हमारे लिए बहुत अच्छा था, अमेजिंग एक्सपीरियंस पूरे। देखो कमरा ये था हमारा, मैं दिखा देता हूँ, हमारा रूम ये था सारा, एक ये कबर्ड टाइप है, पूरा वॉशरूम ये था, बढ़िया बेड है, हीटिंग, इसमें हीटिंग ब्लैंकेट लगा हुआ है नीचे, सॉरी हीटिंग बेडशीट टाइप मान लो जो ये रखी होती है, 2 सोफे हैं और ये काउच टाइप है। निकलते हैं चलो चलो भाई, अपनी गाड़ी आ गई है यहाँ पे, होटल को बोलते हैं बाय, आ सकते हो, अच्छा होटल है, ठीक है, बैठते हैं यार अंदर, पकड़िए एक मिनट बैग, चलो भाई।
डे अपना हो गया सिक्योरिटी चेक इन, लॉन्च में बैठेंगे, ढूंढना पीने का पानी। चलो लॉन्च चलते हैं, फिर देखते हैं कुछ खाने पीने को होगा, ब्रेकफास्ट करेंगे थोड़ा बहुत। फ्लाइट हमारी 8:50 की है भाई। आज बहुत सारे आर्मी वाले आए हुए हैं यहाँ पे, पता नहीं कैसे। राहुल गांधी आया था यहाँ पे, तो राहुल गांधी की वजह से भाई हमारा जो ड्राइवर था उसके चालान कटने वाला था, उसने गलत मोड़ ले लिया। गलत मोड़ लिया तो आर्मी वाले ने बुलाया कहाँ जा रहे हो, क्योंकि हम टूवर्ड्स राहुल गांधी के होटल की तरफ जा रहे थे। और फिर भाई टैक्सी व्हीकल का तो भाई होता ही है, यू नो। हमारा भाई यहाँ पे थोड़ा सा कट चुका है। लॉन्च में जा रहे थे, और लॉन्च में जाते वक्त हमने जब डेबिट कार्ड दिखाया, डेबिट कार्ड उन्होंने बोले सारे अनएक्सेप्टेड है, सारे मना कर दिए कि भाई सारे नहीं चलेंगे। मैं यहाँ बैठे हैं, और एक चीज सबसे अच्छी बात बताता हूँ, रुक जाओ। ने लिए भाई 110 रुपए की बॉटल यहाँ से एयरपोर्ट, पता नहीं क्या है इसमें। और ये देखो, ये 300 रुपए का समोसा खा रहा है। 25 पैसे की एयरपोर्ट नहीं है भाई यहाँ पे। और वो 250 रुपए की है। ये 250 रुपए का नहीं है, ये 5, ये 10-10 रुपए की मिलती है हमारे घर पे। 25 पैसे। गाइस फाइनली वी हैव टच डाउन एट दिल्ली एयरपोर्ट। हमारा लगेज वगैरह लेंगे यहाँ से, और फिर निकलेंगे बाहर की तरफ। अपन जाएंगे कैब में, कैब से जाएंगे घर भाई। मैक्स टू मैक्स 2 घंटे के अंदर घर पहुँच जाने चाहिए, और घर जाके मैं तो सोने वाला हूँ ना 2-4 घंटे बढ़िया तरीके से। बाय बाय गाइस, बाय बाय, वेलकम टू दिल्ली भाई। अपनी कैब आ गई है, कैब बुक कर ली थी पहले, कैब में बैठेंगे, होम सीट हो घर जाएंगे। वेलकम टू दिल्ली गाइस। कैब वाले भैया ने हमें छोड़ दिया आदित्य ही घर पे, और आदित्य हमें छोड़ने जा रहे हैं हमारे घर। हमारे एरिया में आके बहुत अच्छा लग रहा है भाई, अपने से फीलिंग आ रही है, हैं? सुकून सा लग रहा है भाई, हमेशा घर आके अच्छा लगता है ना। कहीं भी रहो यार, 5-6 दिन कहीं भी रहो, हमेशा घर आके अच्छा लगता है। सही बात है। चलो भाई घर पहुंचते हैं, फिर मुलाकात करते हैं अपने घर वालों से, कुछ खाएंगे पियेंगे फिर सोएंगे भी यार। वेलकम टू गाजियाबाद गाइस, ब्लॉग में ही खत्म कर देता हूँ भाई। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, डू सब्सक्राइब ऑन द वेस्टर्न, डू सपोर्ट, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कमेंट में जरूर लिख देना यार आपका ओपिनियन, क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है। चलो ठीक है, अगली ट्रिप के लिए गाइस स्टे ट्यून्ड। बाकी यार हंसते रहो, कुराते रहो, हमेशा खुश रहो, अपने लोगों को खुश रखो, अपने दोस्तों के गमों में खसो। पीस भाई, गले तो मिल गए।